और जा करके किसी भी प्रकार मेरे गुरु को लेकर क्या जो मेरे पति को आगे बचाएंगे। अरे तोता से इतने शब्द कहे, अरे भैया पत लिया और वो तोता चला है आज गनपुर से। किस तरह समाधि टूटी पाती गिराई पत्र पढ़ा। ओहो दिल्ली के राजा हस्तिनापुर के राजा जो है परिसर को साफ उतार दिया। तक्षक ने सब शिष्य मंडली को बुलाया, चलो और अपना जो बैल की दबा थी वो ली साथ में और चल दिए। अब तक्षक को पता चला कि गुरु धनवंतर जा रहे हैं उसे बचाने के लिए। तब क्या किया, सामने देखा जिस रास्ते पर धनवंतर जा रहे हैं उसके सामने तक्षक आएगा और तक्षक ने कहा कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं कहां जा रहा हूं, हम जा रहे हैं दिल्ली के राजा परिषद को बचाने के लिए। उसे तक्षक ने जैसा है, बोले तक्षक ने जैसा है, बोले हाँ तुम बचाओगे? बोले अवश्य बचाऊंगा, एक काम करो। क्या? मैं मान जाऊंगा तुम आप बचा लोगे उसे, इस वृक्ष को सामने मैं अपने पुरस्कार से सुखा रहा हूं, मैं ही तक्षक हूं और मैंने ही उसी दशा है, अपने पुरस्कार इसे सुखा रहा हूं या तुम अपने मंत्रों के द्वारा इसे आप हरा कर दोगे, मैं मान जाऊंगा कि आप बचा लो। ठीक है, पुरस्कार मारी तक्षक ने, वृक्ष सूख गया और जैसे ही वृक्ष सूखा गुरु धनवंतर ने कमंडल से जल लिया, अभी मंत्र करके मारा, वृक्ष पुनः हरा हो गया। समझ गया बचा लेंगे।
बोले मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उस मुद्रिकाएं ले जाओ और आप जा सकते हो, उसे बचाने मत जाओ। गुरु ने कहा नहीं, जिस समय ये विद्या थी मेरे पास में, ये वचन है मेरा कि रिश्वत के लिए मैं किसी की जान नहीं लूंगा, मैं फिर जाने जाऊंगा उसको। नहीं मानोगे? बोले नहीं। ठीक है, फिर आप अपने रास्ता जाइए। अब तक्षक खेल रच रहा है, गुरु धर्मंत चले और तक्षक क्या किया? समय भी पूरी होने जा रहा है, क्षमा चाहूंगा।